तो बाबा हीरा कहूं गिलाले जाने मिल गया बाबू राम दे तो बन पल में की ना निहार। दो भजन जी का आजकल की तर्ज का है भैया, तो फिर आजकल अगर तर्ज आला तो महेंद्र जी सुनाएगा, बट मैं राजस्थानी भजन सुनाऊ थाने जी का भैया नई तर्ज का ही है, पुरानी आई कर बाद में छेड़ांगा, क्यों कई टाबर टोलिया जी का नया भजन हुई राजी रे। तो एक भजन है बाबा रामदेव जी महाराज का, के मरुधर मेरी ज्योति जगाएगी हूं, अरे बाबू थोड़ी धजा पर गाई गे रे मारो धरे मेरे दो तो गाई गे रे मारो धरे जरा करो गाई गे रे मारो सांगरी रे कने बारी मारो सांगरी आओ मने बारी भग तारे तारे नी अज मने घरे भव तारे नियो सुबल के जरिया पागरो सिने भार कियो बजरंग पे ताधरी भगतारे कारणी
मल घरे अवतार की जय हो। अब ये बताओ थे एक पीछे समझावे के सही खड़को खुड़को ज्यादा है का कम है? माफी चलन पूछा भी समझ सही आवे के ठीक है जे समझ नहीं आवे तो बता दियो। अब मैं थाने पूछू भी महेंद्र जी लगावा दो वजन चार वजन कही दे ठीक है मांगी फरमाइश आई है फिर जाएगा फिर कोई बाबा को परचो या कोई कथा या कोई भजन सोमवीर दास बहुत अच्छे कलाकार है वो भी सुना से थाने गुलशन दास और सोमवीर दास बहुत अच्छे कलाकार है ये भी सुनाएंगे भजन और पानी की सेवा कर दो भी हमारे ढोल मास्टर जी का बहुत अच्छा ढोल मास्टर है बहुत बड़ा बड़ा स्टेज अटेंड करे दूर दूर तक मानसा के तो है ही बाकी मानो अलावा बड़े बड़े स्टेजा पर काम करे आपने गाँव का सर सर जितना भी गांव है हाँ गाँव का छोरा आई भी है ढोल बजा बजा के हाँ अब एक जयकार लगा दो हाथ ऊपर करके बोलो सर जय दरबार की जय हो। मैं इतना रिसेट कर लू कोई दस मिनट में अच्छा ले लिया पूर्ण हो गया।